ॐ गणपतये नमः। श्रीगुरुदेवदत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत लाभदायक शाबर नवनाथ पंथीय यंत्र के बारे में बता रही हूँ, जिसे कोई भी व्यक्ति बिना परेशानी से बनाकर अपने मन में बसी इच्छा पूरी कर सकता है या किसी भी काम या कार्य में शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर नौकरी, मकान, वाहन पाने की इच्छा, जल्द मनपसंद व्यक्ति से शादी करने की इच्छा या शत्रु की मुसीबतों से बचने की या शत्रु को नष्ट करने की इच्छा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस नवनाथ पंथीय यंत्र को बनाकर धारण करने के एक से अधिक टोटके हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया है, और आज जिस तरीके के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वह उतना ही असरदार है। साधक को किसी भी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, त्यौहार के दिन पर सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके आगे बताए हुए यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंधक की पेस्ट बनाकर एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से लिखना है या सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग के स्याही के पेन से या मार्कर से लिखना है। यंत्र के नीचे साधक को अपनी इच्छा लिखनी है या जिस कार्य में वह सफलता पाना चाहता है उसे संक्षिप्त में लिखना है और यंत्र के सामने धूप या अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करके यंत्र की पूजा करनी है और यंत्र को दिल से विनती करनी है कि वह आपकी मनोकामना पूरी करे या जिस कार्य में आप सफलता पाना चाहते हो उसमें आपको सफलता प्रदान करे। इसके बाद यंत्र को आपको अपने पास रखना है। आप यंत्र को लैमिनेट करके या प्लास्टिक की थैली में डालकर अपने जेब में या बटुए में रख सकते हो या तांबे के लॉकेट में उसे रखकर अपने गले में धारण कर सकते हो। इस नवनाथ पंथीय इच्छा पूर्ति यंत्र के हिंदी आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर काले रंग के स्याही के पेन से यह यंत्र बनाया है। यह देखिए, पहले मैंने एक स्क्वायर निकाला है और उसके अंदर छोटे 9 स्क्वायर है, उसमें कुछ अंक और शब्द लिखे हैं। अब मैं वह आपको बता रही हूँ। म 4, होम 1, ओम 8, म 5, हम 2, श्रीम 9, म 6, भ्रीम 3, द्राम ल 4। यंत्र के नीचे आपको अपने मन में बसी जो इच्छा है वह संक्षिप्त में लिखनी है। ऊपर मैंने नाथ पंथीय इच्छा पूर्ति यंत्र ऐसे लिखा है वह आपको नहीं लिखना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।